नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईश्वर आलय म्यूजिक। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ठाट काफी के बारे में बताऊंगा। ठाट काफी में क्या सुर लगते हैं और कैसे बजाया जाता है, उसके आरोह अवरोह क्या होते हैं ठाट काफी के। दोस्तों मैं पहली काली से बता रहा हूं, आप ये समझें कि ये मेरा शाह है पहली काली, और मैं जब कोई इस टाइप से बताता हूँ ट्यूटोरियल तो पहली काली को लेकर ही समझाता हूँ। दोस्तों ठाट काफी में स्वर गा और नी, ये दो स्वर कोमल रहते हैं, आप इन्हें याद रखें। और कोई गीत अगर ऐसा आपके पकड़ में आता है तो उसको फटाफट ठाट काफी करके आप दिमाग में रखें, ताकि आपको जब कोई गीत बजाना होगा तो आप इतना समझ करके कि ठाट काफी पर आधारित है तो आप उसको आसानी से बजा सकते हैं, आपको नोट्स पता होते हैं उसके। तो आइए इसमें क्या नोट्स लग रहे हैं। इसमें काफी में स्वर गा कोमल रहेगा एक, और दूसरा नी कोमल रहेगा, और सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। आइए देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा लगते हैं, और इसको आपको याद रखना चाहिए, भविष्य में बहुत काम आएगा आपके। दोस्तों ट्यूटोरियल इतना छोटा ही बना रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो किस लिए वीडियो को बड़ा करूं मैं, इतना ही है। यदि वीडियो आप मेरा अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, यदि आपके मन में आए तो लाइक करें, और नहीं अच्छा लगे तो नो मेंशन। दोस्तों आपकी मर्जी, आप इसको चाहें तो मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे, और नहीं करना तो नहीं। इसके अलावा यदि आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक आपको ज्वाइन बटन दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो कुछ एक चार्ज दे करके आपको मेंबरशिप लेनी है, और उसके बाद में आप मेंबर बनने के बाद में आपको और गहराई से जो आप चाहते हैं म्यूजिक हारमोनियम संबंधी ज्ञान, वो मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।